सो हे गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे ये नेताओं वाला कपड़ा पहन करके मैं क्यों बैठा हूँ। जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आज आया है अपने देश का बजट, ठीक है, और इस बजट में युवाओं के लिए क्या खास इस बार गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है, इसलिए मैं बजट पे कभी वीडियो नहीं बनाता था, कभी भी आज तक नहीं बनाया। लेकिन इस बार युवाओं को, एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए जो बदलाव किए गए हैं, जो चीज़ें अप्लाई की गई हैं, शायद वो काफ़ी हद तक युवाओं को फ़ायदा देंगी। तो छोटी सी चीज़ है, आपको जानना बहुत ज़रूरी कि बजट में आपके लिए कहाँ है, क्योंकि आप भी वोट देते हो, आपकी सरकार आपके लिए क्या सोचती है, आपकी सरकार आपके लिए क्या कर रही है, जानना आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो आज मैं वीडियो में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप वन करके कि क्या क्या हुआ है बजट में। तो मेरे पास रिपोर्ट है जो बजट में दिया गया है, कई लोगों ने लिखा युवाओं के बल्ले बल्ले। पहला, केंद्रीय बजट 2024 में युवाओं के लिए रोजगार व कौशल विकास प्रशिक्षण से जुड़ी 5 योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। मतलब कि जो स्किल डेवलपमेंट है, जहाँ पे आप देख लो इंडिया में बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास स्किल नहीं है, तो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स ओपन होंगे और जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट दी जाएगी उनको रोज़गार भी मिलेगा, इंटर्नशिप भी दी जाएगी, इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी, जो कि बहुत बड़ी बात है। पहली बार समझ लीजिए इंजीनियरिंग स्टूडेंट, टेक्निकल स्टूडेंट के लिए भी सोचा गया है, और ऐसे में ये बहुत बड़ी बात है कि टेक्निकल स्टूडेंट के लिए सोचना, टेक्निकल स्टूडेंट के बारे में बात करना, उनको इंटर्नशिप देना, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ स्किल की वजह से ही देश के युवा सबसे ज़्यादा बेरोजगार हो रहे हैं, और ऐसे में प्राइवेट इंडस्ट्री में उनको लेके जाना, तो उनको स्किल डेवलपमेंट बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और बहुत बड़ी बात जो कही गई है, शायद एक बहुत ही मतलब दमदार बात है कि पहली बार अगर आप नौकरी करने जा रहे हो, फर्स्ट टाइमर जॉब हो, आपकी सैलरी 1 लाख से कम है, तो जो गवर्नमेंट है वो आपको 15,000 रुपये देगी, और ये 15,000 आपके अकाउंट में नहीं देगी, ठीक है, आपका जो EPFO अकाउंट होगा, जो PF का अकाउंट होगा, उसमें 3 किस्तों में कंट्रीब्यूट करेगी। ऐसे में ये भी एक बड़ा चीज़ है कि आएगा तो आपके अकाउंट में, जब भी आप जॉब छोड़ोगे या जो भी करोगे, जब भी चाहोगे आप उसको एग्जिट कर सकते हो उस अमाउंट को, ऐसा नहीं है कि वो फिक्स रहेगा बुढ़ापे में एग्जिट करोगे, तो जब भी आप चाहोगे उस अमाउंट को एग्जिट भी कर सकते हो। तो एक वो भी एक बहुत बड़ी बात है जो आई थिंक आपको सोचने की ज़रूरत है, और उस पर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे ऑफर स्टूडेंट को दिया है कि भाई पहली बार आप जॉब करने जाओगे, हम 15,000 का कंट्रीब्यूशन आपकी EFO में 3 किस्तों में कर देंगे। तो दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा एक बड़ा और मजबूत पॉइंट ये है कि टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप, इसके साथ ही सरकार 500 सर्च कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं के इंटर्नशिप अवसर प्रदान करेगी। इस योजना में 5,000 रुपये प्रतिमाह और 6,000 रुपये की एक मुफ्त सहायता राशि दी जाएगी, जो कि बहुत बड़ी बात है। मैं देखो 5,000-6,000 वाले अमाउंट पे नहीं जाता हूँ, लेकिन 500 की जो कंपनियां हैं, भारत की जो 500 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, 1 करोड़ युवाओं को उसमें इंटर्नशिप देना, मतलब कि आप 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, ये बहुत 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 बड़ी बात है। ठीक है, इसलिए मैं बहुत बहुत कह रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले कुछ हुआ नहीं था स्टूडेंट के बारे में, तो भाई इंजीनियरिंग स्टूडेंट तो बल्ले बल्ले खुश हो जाओ, 500 बड़ी कंपनियां भारत की, उसमें आपको इंटर्नशिप मिलेगी, तो आपका करियर 100 नहीं 200% आगे बढ़ेगा, तो ये भी एक बेनिफिट है। और उसके अलावा देखो, एजुकेशन लोन, जो कि एक बहुत बड़ा मैटर है, मैं भी एजुकेशन लोन लेके पढ़ा हूँ, मैं भी एजुकेशन लोन के बारे में जानता हूँ, बहुत टफ एंड कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो ऐसे में फैमिली बर्डन, आपके जॉब एंड ऑल द थिंग्स होता है, पढ़े पास आउट हुए, जॉब नहीं है तो कैसे लोन दोगे, ये भी एक बड़ी चीज है। लेकिन इस बार बजट में बताया गया है कि भाई आपका जो एजुकेशन लोन होगा, लोन का 3% पैसा जो होगा वो सरकार देगी, एजुकेशन लोन का जो 3% पैसा होगा वो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, जो कि बहुत बड़ी बात ये भी है। तो ओवरऑल समराइज किया जाए तो 4-5 चीज़ें स्टूडेंट के लिए बहुत गजब की गई हैं, पहली बार स्टूडेंट के लिए इतना ज़्यादा सोचा गया है, और आई थिंक देखो ये सोचना ज़रूरी था, बदलाव ज़रूरी है, ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे स्कीम स्टूडेंट के लिए लाई जाए, शायद बेटर होगा। आप लोगों का क्या कहना है कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। एक चीज़ और मैं कह देता हूँ एंड में वीडियो में, ठीक है, कि भाई देखो कहना और अप्लाई करना दोनों बहुत अलग चीज़ है, ये भी एक बात है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ तो गई थी लेकिन अभी भी पूरी तरह से अप्लाई नहीं है। वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, बाहर जाकर के ज़रूर देखिए। आपका क्या कहना है बजट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।